हाय एवरीवन, वेलकम टू रिसेप्टिव व्लॉग्स। तो आज हम लोग करेंगे लोगों की बेइज्जती। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसेप्टिव व्लॉग्स। तो आज हम लोग करेंगे लोगों की इज्जत। और जो जो बीच में आएगा सबको देंगे प्यार। तो हम लोग आज मेरे आज 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो स्पेशल इवेंट के तौर पर, स्पेशल ओकेशन के तौर पर वी हैव कम हियर। वी हैव ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट एट अ वेरी स्पेशल स्कूल। द नेम ऑफ द स्कूल इज पुनर्वास स्कूल। ये एक स्पेशल किड, स्पेशल चिल्ड्रन की एक स्कूल है। तो हम लोग ने मैजिक शो और सारी चीज़ें इवेंट ऑर्गेनाइज की है। सो लेट्स एंजॉय दिस इवेंट। सेम कॉपी करना है, सेम जैसे मैजिशियन कर रहा है वैसे आप लोगों को करना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Hello. Hi. Hi. मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। चल अरे क्यूट। मजा नहीं आया जरा, एक बार जोर से। ऑलराइट, सो देख सकता हूँ यू आर एंजॉयिंग राइट। तो आज ब्रेक मजा आ रहा है। तो वी आर गो 3 2 1 म्यूजिक। जरा जोर से और थोड़ा जंप भी करना है। ये कर लो पहले। ओके, सो इतने लगेगा हमारे वैसे टीचर को। नई ड्रेस पहनो प्लीज, आप आइए। आपको टेबल सेट करने दो प्लस सेट। अब बैठ जाओ, मैं आपको बुलाता हूँ। मेरा ही नहीं वैसे सर। ये लोग का गलती बताना हो गया। सो लाइट ऊपर जो फोर्थ फ्लोर है। आउट हुआ कि जीत गया? हाँ। सो हमारा विनर कौन है?
आकाश क्या अनिकेत जीत गया राइट सो अभी अनिकेत के आ गए हमारे करोड़पति चलो 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 बैठ जाओ सेट गिव इट फाइव यस ऑलराइट ओके हां ऑलराइट यस लोगों को करना है राइट और जिसने भी वो एक्शन रॉन्ग किया वो टाटा रेडी 3 2 1 रिपीट हुर्रे हुर्रे ओके फाइनल की लेडी प्लीज क्लैप हो जाती है मस्त जोक मारा रे ये हंस रहे हल्का ढास ओके तो महेश ने राइट आंसर दिया है तो महेश को फिर हमारे पास 3 वॉलंटियर है आप भी ज्वाइन करोगे राइट यस आपका नाम ओके नीलम है चेजी है प्रतीक है और राहुल है ओके सो ये चारों जन है ये ग्रुप बनाने में आपकी मदद करेंगे ओके और सर ठीक है रेडी म्यूजिक प्लीज थैंक यू म्यूजिक उनके कैमरा में सब फिट हो जाएगा ओके अंकिल मुझे इन लोगों के लिए एक पार्टनर से जो आपको लगता है कि कैपेबल है इनके साथ में एक पार्टनर बन जाए इनके लिए एक पार्टनर सबके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभिषेक ऊपर भी यहाँ पर हमारे वॉलंटियर्स है चालू है चालू रिसेप्टिव सॉल्यूशन जय हो गणपति आपको हम बोले अच्छा इंटरव्यू चालू है तो इसके बस के लिए ओके सर मैंने आपको इधर बुलाया म्यूजिक Yeah.
Thank you.
हैं आप आ जाइए, इनको बुलाते हैं, इनके एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हाँ, ऐसे दिखाइए लकड़ी असली है, असली है, हाँ काम हो जाएगा अपना। अनिल सर मुझे दिखाइए, मैं विटनेस बना लेता हूँ, बच्चे लोग झूठ नहीं बोलते। बेटा आप देखो रिंग है यहाँ पे, टच करो, एक गब्बर सिंह जैसा कहे तो हमारा नहीं करता। इसे लेफ्ट हैंड से पकड़ना है, ऐसे स्प्रेड रखना है। आपको रिंग चाहिए नहीं चाहिए? छोड़ने वाले में से बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी चाहता हूँ आपका रिंग वापस हो जाए। अभी मैं 1 2 3 काउंट किया ना, आपको राइट हैंड यहाँ पे रखना है, दूसरा हाथ, ठीक है? जब मैं 3 बोला आपको रिंग निकाल के लेनी है। रिंग है पक्का? ओके, नाउ 1 अभी भी है, 2 अभी भी है, एंड लास्ट नंबर इज 3। अंगूठी है पक्का? है ना, तो ले लीजिए प्लीज। मिला सच्ची में? नहीं मिला, हाई फाई करोगी भी? हाई फाई, थैंक यू, जाओ हवा खाओ, तालियां तो बजा रहे हैं, थैंक यू, बजा दो तालियां तो बजाओ। और इन के लिए आपको टेंशन हो गया ये, थैंक यू। रिंग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए रिंग, रिंग चाहिए क्या बोलते हैं, रिंग वापस कर दिया जाए? चलो बच्चे लोग बोलते हैं फिर दे देते, ये स्टिक पकड़ना, मारना नहीं है, पकड़ के रखो बस। नहीं सर
अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। सर आप आ जाइए, एक सर, यस सर के लिए ये सर क्या करते हैं ना, दूसरे को बुलाना इनको बहुत मजा आता है। अब इनका नंबर लगाया मैं उनसे। ये क्या है बच्चों बच्चे? नीचे गिर गया ना तो आपको उठाना है, ठीक है? हाँ, म्यूजिक, लेकिन टाइम में मत लगा देना प्लीज। हाँ, म्यूजिक, ओके, म्यूजिक प्लीज। किसने कहा एरोप्लेन? ये डॉल है, ओके बेटा। आपको ऐसे हाथ पे खड़े करने लग दिया, ऐसे सेंटर में बैलेंस करके दिखाओ मुझे। लेट्स सी ये मैजिक करती है कि नहीं, देखते हैं। म्यूजिक प्लीज। Oh!
सेम कॉपी करना है, सेम जैसे मैजिशियन कर रहा है वैसे आप लोगों को करना है। ओ पीछे पीछे कमान के तरह से पीछे वाले को भी बोल रहा है जैसे भी पीछे आवाज आवाज देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई किसी का बाकी है तो प्लीज जल्दी आगे आ जाओ।
स्माइल करो। कार्तिक स्माइल। हाय, सो अभी हम लोग आए हैं प्रिंसिपल से मिलने, जो पुनर्मा स्कूल है उनके प्रिंसिपल हैं, उनका नाम है शुभांगी मैम। तो लेट्स हैव सम क्विक चैट विद हर एंड यस मैम, हाय मैम। सो मैम, इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इट इज़ एन ऑनर मीटिंग यू, दैट यू आर मैनेजिंग सच अ बिग स्कूल एंड वी हैव एक्चुअली इन्जॉयड, वी हैव जस्ट डन द इवेंट and we have seen all kind of students, and I am sure that you are facing of course, yeah. There are a lot of troubles handling this kind of school, because there are a lot of students, special kids, God's kid I believe, so unko handle karna bahut dikkat hota hai, bahut difficulties aati hain. So I would like to ask you that how is the experience, aapka experience kaisa hai ye manage karne mein, kyunki aap principal hai, aapke under teachers hain, teachers ko bhi manage karna, assistants hai aapke, to mujhe aapka ek chhota sa experience janna hai. ज़रूर ज़रूर। हेलो, एक्चुअली मैं पहले स्कूल के बारे में थोड़ा जानकारी देती हूँ। जैसे हमारा ये जो पुनर्वास एजुकेशन स्कूल है, ये इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों का स्कूल है, और ये 1981 में चालू हो गया। उस वक्त सिर्फ दो बच्चे से हमारा ये स्कूल चालू हो गया, और ये स्कूल के फाउंडर है प्रभाकर मोडर, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके ये स्कूल को चालू किया, और दो बच्चों से धीरे धीरे बढ़ते गए, और फिर 50 और आज के 175 स्टूडेंट्स इस स्कूल में हैं। एक्सीलेंट। हाँ, तो यहाँ पे 3 यूनिट चलते हैं, एक तो अर्ली इंटरवेंशन है, और स्कूल यूनिट है, और वोकेशन यूनिट है। ओके। तो 0-3 अर्ली इंटरवेंशन है, 3-6 ये है नर्सरी है, और 6-18 यहाँ पे बच्चों को अलग अलग, जैसे नॉर्मल स्कूल में सब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे यहाँ पे सब्जेक्ट्स नहीं रहते हैं। जब बच्चा एडमिशन लेता है तो हम लोग असेसमेंट लेते हैं, और उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको प्रायोरिटी ध्यान रन में रख के हम लोग उसको वो सिखाते हैं। जैसे एडियल स्कीम है, यहाँ पे आते हैं बच्चे, तो कोई बच्चे सीवियर होते हैं, मॉडरेट है, माइल्ड है, तो उनके हिसाब से उसको ज़्यादा किसकी ज़रूरत है। तो एडियल स्किल है, जैसे ईटिंग, ग्रूमिंग, तो इन बच्चों को इसमें बहुत समस्या आती है। स्पेशल उनको स्पेशल ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि खाना, ग्रूमिंग हो गया, करेक्ट करेक्ट, ईटिंग है, ड्रेसिंग है, तो उसमें ज़्यादा हम लोग जोड़ देते हैं, या फिर मोटर स्किल है, मोटर स्किल में उनको प्रॉब्लम है, इसलिए इन सब में उनको प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए भी हम लोग, फिर हमारे यहाँ पे थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, वहाँ पे उनके मोटर स्किल पे काम होता है, स्पीच थेरेपिस्ट है, और हमारे यहाँ पे जो टीचर्स है वो स्पेशल एजुकेटर है, जिन्होंने बीएड करके वो आते हैं, तो ऐसे टीचर्स को ही हम लोग यहाँ पे रखते हैं। और जब बच्चा 18 साल के ऊपर होता है तो हम लोग वोकेशन में डालते हैं, और वोकेशन में फिर हम लोग उन लोगों को जो वोकेशन स्किल्स होते हैं वो हम लोग उनको सिखाते हैं। स्कूल का मोटो है कि बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाए, भले उनको टेक्स्ट बुक नहीं है, वो 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड नहीं करते हैं, लेकिन बच्चा बाहर जाएगा तो एटलीस्ट उसको व्यावहारिक जो कौशल्य, जो स्किल्स की ज़रूरत है, वो उसको आए, वो कहीं पे कम ना पड़े। Exactly. और हमारे यहाँ पे हम बच्चों को ज़्यादा जैसे होम साइंस एक्टिविटी है, जो अपना काम खुद कर सके, और स्पोर्ट्स में लेके जाते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, कुकिंग कॉम्पिटिशन में हम लोग हिस्सा लेते हैं, ड्राइंग, क्राफ्ट, इन सब में जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उनको वो हम ज़्यादा सिखाते हैं। हम देखते हैं कि किस में बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसमें हम लोग उसको आगे लेके जाते हैं। और आप देखोगे कि हमारे स्कूल में अभी बहुत सारी आपने ट्रॉफीज देखी होगी, देखी है, पोस्टर्स भी देखे, ड्रॉ, ये यस यस यस, ये देखो, स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं, स्केटिंग के लिए, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, और जैसे नेशनल लेवल का ड्रामा कॉम्पिटिशन होता है तो उसमें भी हमारे बच्चे फाइनल लेवल तक गए हैं। तो इस तरह से हम उन लोग को इंडिपेंडेंट हो जाए, सोशल हो जाए, जिससे उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाए, तो ये सब हम यहाँ पे सिखाते हैं। सी द मेन मोटो, एग्जैक्टली मैम, एक्सीलेंट जॉब जो आपने जिस तरीके से डिस्क्राइब किया है कि आप इस तरीके से पढ़ाते हैं,
सबसे द बेस्ट पार्ट इज़ द नॉर्मल स्कूल्स में सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। जिनको जो कमी है, जिनको जिसकी ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, स्पेशल ट्रीटमेंट, वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। द बेस्ट स्कूल आई बिलीव कि कोई भी स्पेशल हो, देखो गॉड हैज़ गिवन, गॉड हैज़ सिलेक्टेड स्पेशल पेरेंट्स फॉर स्पेशल किड्स। तो जो भी स्पेशल चिल्ड्रन आया है वो एक गिफ्ट, इट्स अ गिफ्ट, इट्स अ गॉड्स गिफ्ट एंड गॉड्स चिल्ड्रन, मासूम है वो लोग। तो उनको एक समझ दी जाती है स्कूल में, ताकि वो एक बेसिक्स सीख पाए और इंडिपेंडेंट हो पाए, और उनको चीज़ की वो महसूस ना हो कि वो किसी और से कम है। सो द बेस्ट पार्ट इज़ दैट, सो वी आर वेरी हैप्पी एंड इट इज़ रियली एन ऑनर टू मीट यू एंड टू सी दिस स्कूल, एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ दिस स्कूल, एंड अच्छा लगा सबको, पूरी टीम को अच्छा लगा है। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर द टाइम एंड कीप डूइंग दिस, एंड इफ एनीथिंग जस्ट एंड वी आर विथ यू, एनी सपोर्ट, एनीथिंग रिक्वायर्ड, जस्ट यू कैन कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट रिसेप्टिव सॉल्यूशंस एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम मैम। तो आज की इवेंट खत्म हो चुकी है, लेट्स आस्क स्टाफ टीम मेंबर्स कि कैसी रही इवेंट, लेट्स गो अहेड। राउंड क्यों लगे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। यस प्रतीक, बहुत ही अच्छा लगा, और कितना अच्छा लगा कि इतने सारे मतलब रिसेप्टिव टीम के हम लोग हिस्सा है, और इतना अच्छा लगा इधर सब लोग से मिलके, बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू, बहुत मजा आया, थैंक यू फॉर टेकिंग अस हियर सना, मजा नहीं, बहुत अच्छा लगा, मजा आई। रुतिका, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया, थैंक यू, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, इट्स अ वंडरफुल इवेंट, थैंक्स फॉर टेकिंग अस हियर। Neelam, was nice, kuch alag hi experience tha, we met so many like this kind of people that we loved it, and we are blessed enough ki matlab itna acha hum log ko life mil raha and they are getting such kind of like